देखेंगे रेक्टर का एक नया फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास ये कोई एक एक्स एक्सिस है, से एक वाई एक्सिस है, और हमारे पास मान लो कि ऐसा कोई एक वेक्टर ड्रॉ करके दिया गया है, आई कॉल दिस इज वेक्टर एफ। तो क्या कहेंगे, इन दिस फॉर्म ए वेक्टर कैन बी रिटन एज वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप। ये क्या है, कैप कैप आई कैप जे कैप एफ एक्स एफ वाई, इट मस्ट बी क्लियरली रीडेबल। फिर एफ एक्स क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ एफ इन डिरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड एफ वाई क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर एफ इन डिरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या हम लोग पहले से कॉम्पोनेंट क्या है डिस्कशन किए थे ना, व्हाट इज कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर, किए थे नहीं किए थे? यस, कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डिरेक्शन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद द डिरेक्शन, एफ कॉस थीटा वाला फॉर्मूला बताया था। तो यहां पर एफ एक्स क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर इन डिरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस डिरेक्शन में। एफ वाई क्या है, हाँ बोलिए, इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं, ये मैं दिखा रहा हूं ए से आई कैप, आई के ऊपर कैप, दूसरा वाला जे कैप, कैप मतलब टोपी, ठीक है? हाँ, इसको जूम करके दिखा। तो इसमें आई कैप का मतलब क्या है, आई कैप का मतलब इट्स ए सिंबल इक्वे सेइंग इन द डिरेक्शन ऑफ, इन द डिरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आई कैप क्या है, इट इज जस्ट द इंडिकेटिव, जस्ट एन इंडिकेटिव ऑफ द डिरेक्शन। जे कैप का मतलब क्या है, इन डिरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप भी कोशिश करोगे, हम भी कोशिश करेंगे, अगर दोनों कामयाब हो गए तो द पीस ऑफ जॉब इज नाइसली डन। आप भी कोशिश करना, ये वेक्टर f है, इसका कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस क्या होगा, इट इज दिस fx, दिस इज कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। सिमिलरली अगर इसका टेल से और हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो इंटरसेप्ट मिलेगा उसको हम लोग fy कहते थे, सो दिस इज व्हाट इज fy, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। अभी हम ये वेक्टर को ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे बताओ, जैसे कोई आदमी हम लोग शुरू शुरू में लिए थे कि सपोज वो गया है 100 मीटर, ही डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर, वो ऐसा गया है कि ये मान लो 60 है, ये 80 है, एंड वी नो दिस इज ईस्ट दिस इज नॉर्थ। कोई पूछेगा उसके पास जाना है, कैसे जाना पड़ेगा, आप कहोगे यू गो 100 मीटर इन दिस डिरेक्शन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आप किसी को बता रहे हो उसके पास जाना है तो ठीक इधर को जाओ 100 मीटर, इट्स ए ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसको अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में कहोगे तो कैसे कहोगे, आप कहोगे उसके पास जाना है, ठीक है, हिज डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज 60 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 80 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यू गो 60 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन यू गो 80 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यू विल रीच हिम। यस, आप बोलेंगे हाँ ये भी एक तरीका हो बताने का, वेक्टर एफ इज
fx in the direction of positive x-axis and fy in the direction of positive y-axis. कैसे पढ़ेंगे? Vector f is equal to fx, I cap का मतलब in the direction of positive x-axis. Vector f is equal to fx in the direction of positive x-axis and fy in the direction of positive y-axis. मतलब वेक्टर f किसका इक्विवेलेंट है? आप x डायरेक्शन में fx जाओ, y डायरेक्शन में fy जाओ, तो जो मिलेगा वो है वेक्टर f. क्या मैं थोड़ा थोड़ा समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सोचो सोचो. हाँ उसको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे हमारे डिस्कशन में. फिलहाल तो बात कर रहे हैं कि वेक्टर f इज इक्वल टू fx i cap प्लस fy j cap. अगर कोई वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? इन दिस केस व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर? What is magnitude of vector? Magnitude of vector is length of the vector. वो कितना होगा? ये अगर fx है, ये fy है, तो आपको होगी fx का square, fy का square, whole root of. क्या समझ में आया? मतलब yes. अगर दिया गया, just for sake of example, कोई vector दिया है, vector f is equal to 3i cap plus 4j cap. ठीक है, then what is magnitude of f? 3 square plus 4 square root of double is equal to 5. और वेक्टर को ड्रॉ करके दिखाओ. हाँ, ड्रॉ करना बहुत आसान है. पहले आप जाओगे कैसे? 3 in the direction of positive x axis, go 3. ने? Then you go 4 in the direction of positive y axis, 4. पहुंचे यहाँ पर. This is the vector. समझ में आया कि नहीं आया? So it is so easy to draw the vector. So this is what is a graphical form of representation of the vector. समझ में आया? आप बोलोगे कि सर, graphical form हम लोग क्यों सीखते हैं? क्या फायदा है? अरे फायदा ही फायदा है. यहाँ पर अगर आपको कहा गया कि suppose हम कहेंगे कि vector a is equal to 2i k minus 5j k. Suppose vector b is equal to 6i k plus 11j k. दो अलग अलग वेक्टर दिया गया है, पूछा गया है बताओ a plus b का मैग्नीट्यूड कितना है. आपको ग्राफिकल फॉर्म में होता तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों के बीच में क्या एंगल है निकालेंगे, फिर हम ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला लगाएंगे. क्या कहेंगे? a square plus b square plus 2ab cos theta whole root over, which is a बहुत ही लंबा फॉर्मूला. लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना मालूम है? ऑर्डिनरी ऐड कर दो. आपको पहले a plus b निकालना है, जोड़ दे a plus b, 2 plus 6 8 i cap. कितना आसान हो जाता है देखो. plus minus 5 plus 11 हो गया plus 6 j cap. अच्छा, तो a plus b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कितना सिंपल है, that is magnitude of this 8i cap plus 6j cap. 8i cap plus 6j cap का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 8 square 6 square whole double, that is 10. हो गया ना? कितना आसान है दो वेक्टर को जोड़ना. अगर माइनस करना पड़ता तो a माइनस b लिखते. एडिशन सब्ट्रैक्शन बिकम्स वेरी इजी, बट वंस द वेक्टर इज रिटन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है. हाँ, आप पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है तो. सर, आप फर्स्ट ग्राफ में जो f वेक्टर बनाया है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है. हाँ, दूसरा वाला ग्राफ में ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो सर कहीं पे भी ड्रा कर सकते हैं हम क्या? लास्ट क्लास में आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज,
When a head and tail of a vector are given equal displacement, does the vector change? No sir. No. तो आप ये यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आओगे कोई फर्क पड़ेगा? अगर इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आओगे, will it not remain the same? Yes. Because a vector के पास तो दो ही चीज है, एक है magnitude, एक है direction. ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है. सो हाउ डज इट मैटर? कहां से स्टार्ट हुआ उससे मैटर नहीं करता है कोई वेक्टर का. समझ में आया? ओके चलिए. वैसे आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहे थे, आई एम सो हैप्पी कि आप समझने की कोशिश कर रहे हो. तो रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स आपको समझ में आ रहा है. अब कोई वेक्टर अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया है तो उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? और रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख देंगे उसके बाद तो एडिशन सबट्रैक्शन इज वेरी इजी. तो अभी हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है, हमें देखना है हाउ टू राइट द वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इफ इट इज ऑलरेडी गिवन इन ग्राफिकल फॉर्म. थोड़ा ध्यान से देखना. कन्वर्शन फ्रॉम ग्राफिकल फॉर्म to rectangular form, ये थोड़ा सा difficult है, समझने की कोशिश करना. थोड़ा आपको एक बार ये statement को literally बोलना है. rectangular form मतलब vector f को कैसे लिखना है? fx i k plus fy j k. पढ़ना कैसे है? पढ़ने के लिए fx i k plus fy j k पढ़ सकते हो, लेकिन मतलब क्या होता है? इफ यू राइट लिटरली इन वर्ड्स, यू राइट वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एफ वाई इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस. इज इट अंडरस्टूड? वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एफ वाई इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस. मैं कुछ वेक्टर लेता हूं और उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं. सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो कुछ ऐसा है. द वेक्टर इज लाइक दिस. नाम क्या है? नाम है वेक्टर एफ. मैग्नीट्यूड कितना? मैग्नीट्यूड इज 20. एंगल कितना? एंगल है 60. अच्छा पूछा है ये वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखो. रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वेक्टर का fx और fy पता करना पड़ेगा. fx क्या था? fx is component of the vector along positive x-axis. Component of this vector along x-axis निकालेंगे तो हमें मालूम है किसी भी vector का किसी भी direction में component निकालने के लिए from its head and tail we have to draw perpendicular. The shadow of the head will be here, shadow of the tail will be here. This is what is the vector. क्या ये vector is in the direction of positive x-axis? हाँ, ये तो है in the direction of positive x-axis. बढ़िया है, बढ़िया है. कितना है ये? What is this component here? You said is 20 cos 60. Component of the vector along x-axis formula था f cos theta. It is 20 cos 60. लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं? fx is it in the direction of positive x-axis? Yes. तो हम लिखेंगे plus. अगर ये उल्टा होता तो क्या लिखते? जैसे हम बोल रहे थे कोई आदमी yes minus लिख देते. The component in the direction component in the direction of east बोलने से 60 बोलते थे. Component in the direction of west बोलने से minus 60 बोलते थे. हम लोग लिख रहे हैं यार component in the direction of positive x axis तो 20 cos 60 आया. cos 60 is 1/2. 20 into 1/2 सबको आता है 10. fy ध्यान से देखना, उतारने की कोशिश मत करो, मैं आपको समय दूंगा लिखने के लिए. fy is component of f along y axis. किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट जानने के लिए वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड एंड टेल ऑन टू दैट डायरेक्शन. नाउ द शैडो ऑफ द हेड विल बी हियर, शैडो ऑफ द टेल विल बी हियर एंड व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 30 डिग्री. तो आपको हो गए एफ वाई इज फॉर्मूला तो एक है, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है नहीं. एफ के जगह लिखेंगे 20 cos व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद वाई एक्सिस यू से 30 डिग्री. सो cos 30 is the component in the direction of positive y axis. Head इधर है, tail इधर है, it is in the direction of positive y axis, so we'll take it positive. And how much is the value coming?
cos 30 is root 3 by 2, 2 इसको खा गया, तो मिला 10 root 3, 10, हमारा जो प्यारा सा वेक्टर f है, ये जो प्यारा सा वेक्टर f हम निकाल रहे थे, ये कितना आ गया, 10 in the direction of positive x axis and 10 root 3 in the direction of positive y axis, पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, वेक्टर f is equal to 10 i k plus 10 root 3 j k f, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड 10 का स्क्वायर 10 रूट 3 का स्क्वायर 20 यस जो कि दिया है हमें तो क्रॉस वेरीफाई कर रहा था सही कि गलत है हां तो है तो ये वेक्टर को हम लोग कैसे लिख लें थोड़ा ध्यान से देखना दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं सपोजिंग यू आर गिवन वन मोर क्वेश्चन यू आर गिवन ए वेक्टर लाइक दिस ठीक है एक वेक्टर ऐसा दिया है और ये एंगल दिया है से 60 डिग्री और ये वेक्टर है f मैग्नीट्यूड दिया है 50 अब ये वेक्टर हमें लिखना है यूजिंग रेक्टेंगुलर फॉर्म पहले मैं लिख रहा हूं fx फार्मूला कहता है एक ही फार्मूला है कोई दूसरा फार्मूला है cos थीटा दूसरा फार्मूला है नहीं फार्मूला है f cos थीटा क्या आप में से कोई ध्यान से देखेगा और बताएगा कि ये f के जगह में क्या लिखूं कितना 50 ठीक है क्या कोई आप में से देखेगा और बढ़िया से बताएगा cos थीटा थीटा के जगह में क्या लिखूं नो 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 हम क्या निकाल रहे हैं कंपोनेंट अराउंड x एक्सिस तो ये यस ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है x एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है दैट इज 30 अच्छा और भी कुछ बाकी रह गया हम अभी निकाल रहे हैं कंपोनेंट तो कहो तो क्या ये जो कंपोनेंट है इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस हां है तो क्या लिखेंगे प्लस समझ में आया क्या हम क्या निकाल रहे हैं यहां पर कंपोनेंट ऑफ f अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस तो फार्मूला क्या कहता है f cos थीटा जिसमें थीटा क्या है एंगल बिटवीन f विद x एक्सिस f का x एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा भाई इस वर्टिकल के साथ 60 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल होगा 30 हां अरे समझ में आ गया ना इट इज 50 cos 30 और cos 30 का वैल्यू है √3 / 2 √3 / 2 कर दिए तो हो गया 25 √3 चलो ध्यान से फिर से कोऑपरेट करना fy निकालना है विल कॉल इट f cos थीटा फार्मूला हमारे पास एक है हमको पहले लिखना पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कोई ध्यान से देख के बताएगा कि द y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विल बी टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव क्या नेगेटिव क्यों बिकॉज़ इट इज लुकिंग लाइक दिस अरे यार कंपोनेंट नेगेटिव है सब नेगेटिव बोल रहे हो साथ तो ऑलवेज पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है बस आजकल एक चीज का पॉजिटिव बड़ा डर लगता है कोरोना पॉजिटिव नहीं बाकी सब पॉजिटिव ठीक है तो ये हो गया माइनस अच्छा f का वैल्यू क्या लिखेंगे f का वैल्यू लिखेंगे 50 है कोई पहलवान जो बताएगा थीटा का वैल्यू क्या लिखना चाहिए हमें व्हाट एंगल इज मेकिंग विद कोई यस यस तो ये कितना हो गया देखो तो इट इज कमिंग माइनस 25 क्यों क्योंकि cos 60 इज 1 / 2 so the vector comes out to be 25 root 3 i k minus 25 j k क्या समझ में आ रहा है yes sir understanding under अनसुया कुछ पूछ रही है अनसुया पूछो समझ में आ गया अच्छा ठीक मैं आपको अभी दूसरा क्वेश्चन देता हूं करने के लिए Now, let us see number 3. We are continuing with conversion of vector from graphical form to rectangular form. बस हमें चाहिए ये vector जिसका magnitude है 100 और angle है 60 degree. क्या है कोई पहलवान जो बताएगा इसका fx कितना होना चाहिए और fy कितना होना चाहिए? बिट नंबर 4 सपोज हम कहेंगे ऐसा है कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 50
और एंगल कैसा है? एंगल है 45 डिग्री। अच्छा, नाम नाम तो एफ है, ठीक है। क्या आप बता सकते हो इस केस में एफ एक्स का फॉर्मूला क्या लेंगे? ए कॉस थीटा, पहले बताइए। तो बात चल रहा था इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने के लिए, तो हम देखें कि उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो ऐसा है, फ्रॉम द हेड एंड टेल आई ड्रॉप परपेंडिकुलर, आई गॉट ए स्मॉल वेक्टर हियर व्हिच इज इंडिकेटिंग लाइक दिस। तो जो एफ एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। और एफ के जगह क्या लिखेंगे? 100। कॉस थीटा के जगह क्या लिखेंगे? 60। कितना हो गया? माइनस 50। जे वे का मत करो, ठीक है। एफ वाई के लिए भी तो फॉर्मूला हुई है, एफ कॉस थीटा। बताइए पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? यस पॉजिटिव है। तो फिर ये जो पॉजिटिव हुआ, एफ का वैल्यू क्या लेंगे? 100। कॉस y एक्सिस का 30 कर रहा है, cos 30, so it is coming out to be 50√3। मतलब जो वेक्टर की बात हम कर रहे हैं that is equal to -50ik +50√3jk, है कि नहीं? यहाँ पर वेक्टर fx क्या है? f cos theta। आपको फटाफट बताना है पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। ये ऐसे रह रहा है, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इट इज कमिंग लाइक दिस, सो नेगेटिव, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन एक्स एक्सिस का ना। अच्छा, एफ का वैल्यू क्या लेंगे? 50 cos 45, दैट इज -50/√2। FY फॉर्मूला तो वही है, बस बताना आपको है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखो हेड यहाँ पे आएगा ना, टेल यहाँ पे आएगा, डायरेक्शन ऐसे होगा, इसलिए भी नेगेटिव। कितना? 50 cos 45, ये भी हो गया -50/√2, दैट मींस द वेक्टर यू से इज कमिंग आउट टू बी -50/√2 आई के -50/√2 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, -50/√2 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस मींस 50/√2 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, -50/√2 जे के। ये हो गया वेक्टर। क्या मैं ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर वेक्टर आपको दे दूंगा तो आप इसका आंसर बता सकते हो? आई मीन कुछ वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में दे दूंगा तो आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकते हो? यस सर। यस, तो मुझे कुछ वेक्टर चाहिए। यस सर। चलिए फटाफट ये सारा चीज का आंसर मुझे आपको बताना है। मैं दे रहा हूं कुछ कोचिंग यहाँ पे, डू योर सेल्फ। क्या ये है? वेक्टर एफ, एंगल दिया है 30 डिग्री और वैल्यू दिया है 100, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यू वांट टू राइट दिस वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये वेक्टर एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और वेक्टर कैसे दिया है? वेक्टर दिया है एफ, नाम है F, वैल्यू है 50, एंगल है 60, ठीक है। ये सारा वेक्टर को आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है जल्दी जल्दी, खत्म नहीं हुआ कहानी अभी बाकी है। आई वांट टू राइट वेक्टर C हियर, कैसा है ये वेक्टर? कुछ ऐसे दिया गया, ठीक है। वेक्टर डी, ऑप्शन डी में एक वेक्टर दिया गया है जो ऐसे दिया गया है, ये 5 दिया है, ये 8 दिया है, इसका भी नाम एफ है, इसका भी नाम एफ है। और लास्ट वाले दिया है एक वेक्टर
जिसका ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कोई एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और वेक्टर ऐसा है, चलो मानते हैं। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 3.2 और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 7.11। यू वांट टू फाइंड दीज वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, कोशिश करिए, यू कैन डू इट नाउ। वेल नाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द आंसर्स, सी हियर, हमें मालूम है एफ एक्स इज ए कॉस थीटा और तुरंत पता चल गया कि हेड इज हियर व्हिच इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, विल टेक इट पॉजिटिव, इट इज 100 कॉस, व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विथ एक्स एक्सिस, यू से 30 डिग्री, ये कॉस 30 इज √3/2, सो इट इज 50 √3, ठीक। FY, इसका वाई कंपोनेंट, हेड यहाँ पे आ रहा है, टेन यहाँ पर, ये भी पॉजिटिव है, वाओ, इसमें तुम लोगों को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को खुश होना है कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि तुम लोग आंसर बोल देते हो, नहीं, ऑल क्रेडिट गोज टू मी, तुम लोग खुश मत हो, तो ये हो गया 50, तो ये वेक्टर क्या बन गया, 50 √3, I get, fine, B, इस केस में fx होता है -50 cos, सबको समझ में पक्का आया होगा क्योंकि हेड यहाँ पर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है 50, क्या एंगल कर रहा है एक्सिस के साथ 60, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, हेड इधर है ना, सो इट इज -25, FY पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, पॉजिटिव 50 cos, व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विद y एक्सिस 30 cos 30 √3/2 25 मिल गया वेक्टर, कोई मिल गया -25 आई के दिल खिल गया 25 √3 जेके हो गया। सी है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा व्हाट इज एफएक्स हियर, Yes. क्योंकि हम बताए थे कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा, यहाँ पर तो ये 90 डिग्री है, तो 5 cos 90 इज 0, FY कितना होगा, FY पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, और ये 5 है तो ये भी तो 5 ही होगा, Yes. तो वेक्टर एफ हो गया 0 आई के प्लस 5, हाँ अब 0 आई के नहीं भी लिखोगे चलेगा, मैं फॉर्मेट में लिख रहा हूं, यहां पर एफ एक्स कितना होगा, क्या होगा एफ एक्स, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव, और कितना ये लेंथ कितना होगा 8, ये 8 है तो ये भी सो माइनस FY कितना होगा, FY कितना होगा 0, क्योंकि ये y एक्सिस के साथ 90 डिग्री कर रहा है तो हो जाएगा 0, बढ़िया है, तो हमारा प्यारा सा वेक्टर बन गया -8 आई के प्लस 0 जे के, अब सब आके फंसे तो कहां फंसे, ई में आके फंसे, फिर से 4i + 9j, यस, अरे वाओ,
योर बेच इज द फर्स्ट बेच इन माई लाइफ टाइम जो इसके आंसर बताए, बाकी सारा बेच में मुझे बताना पड़ता था। आई एम सो हैप्पी नाउ, नाउ द क्रेडिट गोज टू यू पीपल, क्योंकि आप लोग सही ढंग से सोच पाए हैं, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट इज दिस मच ऑनली, ये है 3 और ये है 7, सो एक्स कंपोनेंट इज 4। सिमिलरली ये वाई कंपोनेंट है 2, वाई कोऑर्डिनेट है 2 और ये है 11, तो कंपोनेंट कितना हो गया 9। तो आप कह सकते हो ना इसको, यू कैन से दिस वेक्टर इज इक्वल टू 4 है, कंपोनेंट 4 है और ये कंपोनेंट 9 है प्लस 9, कितना बढ़िया है, कितना मस्त है। बट ये लास्ट वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में अगर हमें ऐसा कुछ दिया गया, तो सपोज कोई एक वेक्टर है जिसका हेड और टेल का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, x2 y2 - x1 y1, ऐसे दिया है कोई वेक्टर, कोई वेक्टर का टेल है x1 y1 पे और हेड है x2 y2 पे, ये है x1 y1, तो ये वेक्टर क्या होता है, क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, है नहीं? तो देखो यहाँ पर x2 - x1 i k + y2 - y1, ध्यान रहे the vector is always equal to head minus tail i k plus head minus tail j k, head minus tail आपको पॉजिटिव नेगेटिव और सोचने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा when you make head minus tail, ठीक है, समझ में आया। और वैसे अगर कोई पूछेगा कि ये वेक्टर का कोई पूछेगा कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है कोई पूछेगा, आप तो जानते हो मैग्नीट्यूड इज लेंथ, ये लेंथ। वैसे भी अगर हम अपना तरीका लगाएंगे तो हम कहेंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर होल डबल। इज इट नॉट द डिस्टेंस फॉर्मूला? यस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, समाग्रता याद है कि भूल गए? याद है, यस यस, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाए थे, तो यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वही है फोर्स का वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब हुआ कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया जाएगा आप उसको आसानी से रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है कि नहीं? ठीक है, तो मैं अभी आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देने वाला हूं। कंसीडर वेक्टर्स ए एंड बी, ए क्या दिया गया है 2ik + 3jk, बी क्या दिया गया है, बी दिया गया है 6ik - 10jk, ऐसे दिया है। फाइंड 2a + b का मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2a + b, ठीक है, 2a + b का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ ए वेक्टर गिवन बाय वेक्टर एफ इज इक्वल टू 6ik + 2jk और से आपसे 5jk, ये वेक्टर को ड्रॉ करके दिखाना है आपको, मतलब वेक्टर इज ऑलरेडी गिवन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करोगे।
ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कोशिश करिए। चलिए सॉल्यूशन में पहले हम निकालेंगे 2a, a अगर ये है 2a हो जाएगा 2 × 30 4ik plus 6jk, b is equal to 6ik minus 10jk, so 2a plus b ordinarily add कर दो, add कर दिए तो हो गया 10ik minus 4jk, कितना सिंपल है 2a plus b का मैग्नीट्यूड is 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होल रूट इज इक्वल टू 116 रूट ओवर। क्या मैं आपको ठीक ठाक समझा पाया? यस सर। ये वेक्टर 6ik प्लस 5jk, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है, मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो बताओ क्या बता सकते हो व्हाट इज वेक्टर ए? जस्ट नोट पॉइंट, ये वेक्टर ए क्या होगा, ये तो ओरिजिन है तो यू से इट इज 0 0, सो वेक्टर ए क्या हो जाएगा एक्स माइनस 0 आई के प्लस वाई माइनस 0 जे के। समझ में आया ना? तो ओरिजिन से एक्स वाई को जोड़ता हुआ वेक्टर हुआ ये, तो इसको क्या करेंगे, सो एफ इज इक्वल टू 6ik प्लस 5jk इज ए वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से, ओरिजिन और 0 0 एंड एंडिंग एट, कोई बताएगा कहां पे, 6,5। तो ड्रॉ करना बहुत आसान है, गो फॉर अ पॉइंट 6,5, ये 6,5 ठीक है, एंड ड्रॉ दिस वेक्टर, दिस इज वेक्टर एफ। तो कोई वेक्टर को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया है, ड्रॉ करना कोई मुश्किल चीज नहीं है, वो आप आसानी से कर सकते हो, है कि नहीं सर? नोट डाउन सर, अलग पॉइंट से ले सकते हैं, जैसे कि तो तो फिर ऐसे कर सकते हो, लेकिन वेक्टर को कहां से ड्रॉ करना तो पूछा नहीं, आप इसे ड्रॉ करके दिखा सकते हो, ठीक है। ठीक है,